क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी प्रियंका उपल आनंद बाज़ार में दो दिनों की सुस्ती के बाद प्रॉफिट टेकिंग के बाद आज फिर से रौनक लौटी है और निफ्टी हम देख रहे हैं कि सवा सौ अंक ऊपर है इक्कीस हज़ार छः सौ पचास के आसपास तो बढ़िया तेजी निफ्टी बैंक की रफ्तार निफ्टी के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है वहाँ पर अब चार सौ अंकों का उछाल है और जो प्रतिशत के लिहाज से जो तेज़ी है वह है पौने परसेंट से थोड़ी सी ज़्यादा की आज हम देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो तेजी के खिलाड़ियों के पक्ष में हर एक गिरने वाले शेयरों के मुकाबले दो बढ़ने वाले शेयर बाजार में इस वक्त आपको दिखेंगे लेकिन आज बजाज फाइनेंस अच्छे अपने बिजनेस के अपडेट्स जारी किए लोन ग्रोथ के ईएम तीन लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया है ये शेयर चल रहा है और बजाज फिंसर को भी शुरुआत में मदद मिल रही थी थोड़ा सा पीछे अब वो छूट गया लेकिन अब पावर में लगातार एक्शन है आज भी एन टी पावर ग्रिड पी ये तमाम शेयर आपको चलते हुए दिखेंगे एनर्जी कुछ और अगर हम खेमे की बात करें तो ए एनजीसी में तीन परसेंट के आसपास का उछाल है लेकिन दूसरे साइड पर एनर्जी में चूंकि क्रूड में थोड़ा सा स्पाइक आया है आ, सप्लाई के चुनौतियों के चलते तो हम देख रहे हैं कि बी पी सी एल एच पी सी एल ये स्टॉक्स थोड़े से आज कमजोर दिख रहे हैं और हल्का हल्का दबाव हम देख रहे हैं कि आई टी स्टॉक्स से भी बाजार में आज बना हुआ है सवाल यह है कि क्या आखिरी घंटे में रफ्तार बाजार की यहाँ से थोड़ी सी बढ़ेगी अगर हाँ तो क्या इंडेक्स में ट्रेड लें शेयरों में कौन से मौके होंगे ये सब कुछ जानेंगे और अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़ेंगे प्रियंका के पास चलेंगे आपको एक्सपर्ट से वो कनेक्ट करेंगे और उनसे फटाफट -फड़ बाजार पर भी बोलेंगे और आपके लिए ट्रेड्स भी समझेंगे गुड आफ्टरनून अभिषेक तो आज के ट्रेड्स एक्सपर्ट्स के साथ समझते हैं लेकिन रियल एस्टेट पैक में क्या जबरदस्त तेजी है और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट सब वेंचर एक्सटेंशन की जो बात हो रही है बाजार में उससे शायद थोड़ा सा मोमेंटम जरूर बना हुआ है लेकिन आज एक्सपर्ट्स क्या स्ट्रैटेजी दे रहे हैं गिरी सौदानी बाजार पर एक फंडामेंटल व्यू देंगे साथ ही हमारे साथ होंगे आदित्य अरोड़ा और हमारे साथ होंगे अक्षय पी भागवत और रत्नेश गोयल चलिए आइए सबसे बात करते हैं गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पहले क्विकली एक इस वक्त एक टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं गिरीश के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल दिख रही है बाजार क्योंकि फिर से रिबाउंड कर रहा है इक्के साथ के पास पहुंचकर थोड़ा सा नीचे आया लेकिन -1 -700 को तो हम एक, एक बार के लिए लॉन्ग्स इनफैक्ट फ्यूचर में तो दिख ही रहा है तो इस वक्त स्ट्रेटजी टेक्निकल लेवल्स पर क्या बनती हुई दिख रही है रत्नेश से क्विकली समझ लेते हैं रतनेश गुड आफ्टरनून गिरीश के पास भी फिर आएंगे क्विकली आप बताएं यहां से लॉन्ग्स तो खैर इनफैक्ट लॉन्ग ऑलरेडी इनिशिएट कर लेने चाहिए थे लेकिन अभी फिलहाल जिन्होंने नहीं किए लास्ट आयर के लिए ट्रेड में क्या अभी नए लॉन्ग्स भी

तो उसके ऊपर ही लॉन्ग साइड में लेना चाहिए नीचे भी हालांकि मुझे थोड़ा सा लिमिटेड ही दिखता है नीचे में आप देखेंगे तो इक्कीस सात सौ से इक्कीस छह सौ जो सपोर्ट जोन रहेगी इसके आसपास में कई बजार थोड़ा सा सपोर्ट जोन ले लेगा क्योंकि तो अगर मिनट हम चार्ट पे ड्रॉ कर कुछ की कुछेस का सपोर्ट आता है इक्कीस सात सौ के आसपास में तो वहां पर बजार ले लेगा सपोर्ट तो मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल यहाँ पे बाजार थोड़ा सा इस रेंज में कंसोलिडेट करते रहेंगे बैंक निफ्टी का जो आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है माफ कीजिएगा तो वो ऐसा ऐसा लगता है मुझे थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है

आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है लेकिन बैंक स्टॉक्स जिस तरह से कल से रिएक्ट कर रहे हैं और उसकी बड़ी रीजन है जो इनके बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं बैंक है, बैंक लार्ज कैप्स में के के आ आ चुके चुके हैं हैं फाइनेंस फाइनेंस बजाज और इनफैक्ट स्मॉल पी बैंक्स में मिड कैप पीएसयू बैंक्स में कई सारे बैंक के बिजनेस अपडेट्स आए हैं जो स्ट्रॉन्ग अपडेट्स हैं लोन बुक सबकी अच्छी दिख रही है बैंक ऑफ चाहे महाराष्ट्र हो सी हो और कुछ एनबीएफसी लेंडर्स ओवरऑल uh, एक बहुत ही अच्छी पिक्चर इस वक्त बिजनेस अपडेट्स के लिहाज से बैंक एंड फाइनेंशियल्स की दिख रही है गिरीश सदानी है हमारे साथ उनसे समझते हैं ये गिरीश ये दो दिन में जो बैंक निफ्टी का जबरदस्त मूव दिखा है कहीं ना कहीं आप बाजार ये रीड कर रहा है कि बैंक एंड फाइनेंशियल्स के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आएंगे क्या आप भी व्यू मान रहे हैं क्वार्टर थ्री अर्निंग्स किस तरह की रह सकती हैं और आपकी टॉप टॉपबेट क्या होंगी बैंक्स और फाइनेंस में टली बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें तो ऑब्वियसली एक अनेबल सेक्टर था काफी टाइम से extended में ही चला ये सेक्टर तो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांगली आया जिस तरीके का परफॉर्मेंस रिव्यूज आए इनके जिस तरीके के जियोग्राफिकल लोकेशन में इंक्रीमेंट्स दिए इन्होंने स्पेशली नॉट पदल एम एनसी बैंक बट अगर हम बात करें छोटे बैंक की स्मॉल बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर भी इनमें भी काफी अच्छा डेवलपमेंट आया तो ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चर सही है कि हम बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर डेफिनेटली बहुत अच्छा बैट लेके चल रहा है बट हाँ ये जो है कि आ, मैं बहुत लार्ज बैंक्स के ऊपर डेफिनेटली फोकस में थोड़ा सा नहीं हूं क्योंकि कुछ चीजें ऑलरेडी चल चुकी है कोर्ट तक हो गया है या फिर हम एच की बात करें तो ये ऑलरेडी एक अच्छा रनअप दिखा चुके हैं बट अगर हम स्मॉल स्मॉल बैंकिंग के ऊपर बात करें तो हाँ मेरा जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि आ, हमारी खुद की रिचर्च हाउते थी हम इक्विटास स्मॉल बैंक्स के ऊपर काफी बुलिश है इस लेवल पे भी हमको लगता है कि काफी अट्रैक्टिव है ये और सम अराउंड वन हंड्रेड थर्टी फाइव टू वन हंड्रेड फोर्टी तक का एक रेंज हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तीन से छह महीने के टाइम फ्रेम के लिए तो स्मॉल सेकमेंट बैंक के ऊपर काफी बुलिश अभी इस टाइम इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ठीक है ये हाई ग्रोथ स्पेस होता है और आ, और जस्ट मोमेंटम के साथ क्योंकि इनके एयूएम ग्रोथ भी जिस तरह की चल रही है और आ, इसके नंबर स्ट्रोंग आ सकते हैं क्यू थ्री में ये एक ट्रेड यहाँ से एक पोजिशनल ट्रेड आपको गिरी सुदानी भी अपने तरफ से दे रहे हैं लेकिन आज के टेक्निकल ट्रेड्स क्या हैं बाकी बच्चे एक घंटे के लिए स्ट्रैटेजी क्या है और थोड़े से कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स क्या होंगे ये अब हमारे ट्रेड्स हमें हमारे तीनों टेक्स बताएंगे बात करते हैं अक्षय भागवत और आदित्य अरोड़ा दोनों ही हमारे साथ गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू अक्षय क्विकली आपके ट्रेड्स बताएं प्रियंका जी दोनों ट्रेड्स बाई की तरफ है पहला ट्रेड जैसे बैंकिंग का जिक्र हो रहा था यहाँ पे प्राइवेट बैंकिंग में फेडरल बैंक का जो टेक्निकल सेटअप है बहुत दिख रहा है मुझे 152 के सपोर्ट है आज वही सपोर्ट बेस से उछला है डेरिवेटिव्स में लॉन्ग एडिशन देखने को मिल रहे हैं तो बाय करने की सलाह दूंगा मैं फेडरल बैंक एट द करेंट रेट टारगेट बनाइए आप वन की और स्टॉपलॉस बनाइए सेकेंड ट्रेड है फार्मा सेक्टर में डीवीज लैब रहेगा फार्मा क्षेत्र जनवरी सीरीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट पे स्टार्ट करा है और डीवीज लैब ने भी थर्टी नाइन फिफ्टी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला था मोमेंटम uh, जारी है uh, मेरा मानना है फोर्टी वन फिफ्टी फोर्टी टू हंड्रेड जल्दी दिख जाएगा तो आप बाय कीजिए डीवीज लैब थोड़ा एक्सटेंडेड टारगेट फोर्टी टू फिफ्टी तक बनाइए स्टॉप लॉस बनाइए है थ्री नाइन सिक्स जीरो की ठीक है अक्षय की तरफ से दोनों के दोनों शेयर खरीदारी को लेकर फेडरल बैंक अच्छे मूव्स उसमें हैं और उसका फ़ायदा आपको उठाना है और दूसरा शेयर डिवीज लैब हम देखने की फार्मा में भी एक्शन पिछले दिनों था लेकिन डिवीज़ में आपके लिए आगे मौके बनेंगे 4250 के लक्ष्य अक्षय की तरफ से आदित्य आपके रडार पर कौन से शेयर हैं क्या आपके भी दोनों खरीदारी वाले सौदे हैं या फिर कुछ सेल कॉल भी आपकी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून देखिए मेरे साइड से एक पिक रहेगी वो रहेगी फार्मा uh, सेक्टर से आई थिंक फार्मा एक क्लियर कट आउट परफॉर्मर है और uh, वहाँ पे जो पैटर्न्स बन रहे हैं डेटा बिल्डअप हो रहा है काफी एग्रेसि एग्रेशन दिख रहा है बायर्स की साइड से और एग्रेसिव अ लॉन्ग बिल्डअप दिख रहे हैं तो uh, पूरे सेक्टर में एक बुलिश नजरिया बन के आ रहा है इसलिए हमने एक मिड कैप स्टॉक इस पर पकड़ा है जिसमें अच्छा पैटर्न्स बन रहे हैं अच्छा आउटलुक बन रहा है तो मैक्स हेल्थ को बाय करेंगे सेवन ट्वेंटी सिक्स में सिक्स एट्टी रहेगा स्टॉप लॉस और सेवन नाइनटी से लेके एट ट्वेंटी रहेगा टारगेट ठीक है छह सौ अस्सी का स्टॉप लॉस सात सौ और आठ के टारगेट्स एक शेयर लेकिन धमाके वाला शेयर ये आदित्य की तरफ से दिन की ऊंचाई पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है हालांकि थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर रहा है लेकिन रिटर्न कमा के दिए हैं मैक्स हेल्थ केयर ने भी तो ये बढ़िया ट्रेड आपके लिए आदित्य की तरफ से हालांकि शेयर चला हुआ है तो थोड़ा सा अपने रिस्क को आप एसेस कर लीजिएगा उसके बाद इसमें आप ट्रेड लीजिएगा रतनीश जी आपका भरोसा कहाँ पर है सर आप क्या ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं मेरी तरफ से थोड़ा तो लॉन्ग साइड ये रहेगा मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो मैंने बोला था वो कंटिन्यू रह सकता है हालांकि इंडेक्स कंसोलिडेशन में कर सकते हैं तो जो पहला शेयर रहेगा वो जीएमआर इंफ्रा जी इंफ्रा में मुझे ऐसा लगता है काफी लंबे कंसोर्टेशन वर्ग में एक हायर हाई फॉर्मेशन जो बना था उसका कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट वापिस से देखने को मिला है इसमें तो यहाँ पे एक एट्टी टू रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए ऊपर में टारगेट जो मुझे दिखता है वो एट्टी एट रुपीज का दिखता है इसके अलावा दो ट्रेड और रहेंगे एक है बजाज फाइनेंस बजाज फाइनेंस डेली चार्ट पे परफेक्ट राउंडिंग फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है अच्छे आज के सत्र में अच्छा वॉल्यूम एक्टिविटी भी हुआ है तो बजाज बजा फाइनेंस मुझे ऐसा लगता है कि एक से दो दिन के लिए होल्ड करना चाहिए आ, से, 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 से तो आ, का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ऊपर में जो टारगेट बनेंगे वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सितर सौ अस्सी से लेके अठहत्तर सौ तक के, के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं एको ट्रेड रहेगा एक सन टीवी रहेगा मुझे ऐसा लगता है कि सन टीवी धीरे कंसोडेशन के बाद में वापिस एक ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है तो मैं थोड़ा सा प्रिजम कर रहा हूँ कि इसमें आ सकता है तो यहाँ पे एक सात सौ पच्चीस रुपए का चाहिए। जो मुझे दिखते में, वो सात सौ साठ रुपए तक के दिखते हैं ठीक है तो आदित्य ने जो एक शेयर कम दिया ना उसकी भरपाई रत्नीश जी ने कर दी तीन शेयर आपको देखिए जीएमआर बढ़िया चला है ये शेयर इसके अलावा बजाज फाइनेंस और सन टीवी नेटवर्क ये तीन शेयर जी में जब से GQ जी क्यू ने पैसे डाले हैं ना पाँच परसेंट के आसपास का स्टेक लिया था उसके बाद जैसे इस कहते हैं कि इसको पंखी लग गया है लगातार ये शेयर चला हो और आज भी तीन परसेंट के आसपास की तेज़ी है लेकिन अट्ठासी रुपये के टारगेट्स इसमें रत्नेश जी आपके लिए सुझा रहे हैं तो ये हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट्स की ये कॉल होगी अब चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बाजार में अब वो स्टॉक्स खोजते हैं जहाँ पर या तो वॉल्यूम एक्टिविटी अच्छी है या फिर मूव्स अच्छे हैं आज हम देख रहे हैं खास तौर से जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी हैं उस पर व्यू भी आए हैं लेकिन एक शेयर जिस पर आप मैं राय लेना चाहूँगा अक्षय आपसे वो है चोला इन्वेस्टमेंट का आ, अच्छे से ये शेयर ऊपर आया है फिलहाल डे हाई पर ट्रेड कर रहा है चोला इन्वेस्टमेंट इस पर क्या आपकी नज़र नहीं गई क्योंकि अब ये बावन हफ्ते के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है आगे किस तरह की चाल देख रहे हैं इसमें आप जी बिल्कुल 52 टू हाई वीक पार कर चुका है और जैसे मैं अभी इसको देख रहा हूँ एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ब्रेकआउट भी है 1280 पे तो 1280 का स्तर ब्रेक किया है इसके चलते आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रही है आइडियल बीटीएसटी कैंडिडेट है सपोर्ट 1280 का है रिस्क रिवॉर्ड का जो भी पे ऑफ है बहुत सही बैठ रहा है यहाँ पे तो 12 से तो फिर मैं देख के बताता हूँ बाद में है ना क्या तो रखो उसको रखते हो हो अभी बहुत काम करने लगे मैं इंटरव्यू में मैं करता हूँ बाद में ठीक है अतिते please, हाँ. please be on mute you are on a live show अतिते please be on mute you are on a live show thank you please बताएं अक्षय जी जी अक्षय बात पूरी करें आप तो बिल्सों हैं 1275 का स्टॉप से आप, 1280 का सपोर्ट जोन है 1275 का स्टॉप लॉस बनाइए पॉजिटिव रहेगा व्यू चोला इन्वेस्टमेंट में टारगेट बनाइए 1325 फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव तो ये तो बात हुई छोला इन्वेस्टमेंट पर आ, आ, लेकिन आज रियल एस्टेट स्पेस जिस तरह की मूव दिखा रहा है लगभग सबसे टॉप सेक्टर इस वक्त आपको रियल एस्टेट गेनर है और सारे स्टॉक्स आज फुल गियर में हैं इनफैक्ट रिशोभा डेवलपर्स यहाँ तो एम का एक बड़ा टारगेट आया है चौदह सौ का टारगेट था आज दिन भर में ही इसने लगभग पंद्रह तो ऑलरेडी अपसाइड दे ही दिया लगभग सौ रुपये ऊपर चल चुका है ये आज डी एल एफ गोदरेज प्रॉपर्टी पुरवनकार सब में एक वन साइड मूव दिख रही है रीजन क्या है शानदार रफ्तार का पूजा ने एक रिसर्च तैयार किया आइए समझते हैं उनसे पूजा बताएं बिल्कुल निफ्टी रियल्टी के लिए तो हमने देखा कि पिछले साल भी काफ़ी अच्छा था और रियल रियल इस्टेट स्टॉक्स में जो तेज़ी है वो 2024 में भी हम देख रहे हैं कि जारी है पिछला साल हमने देखा वहाँ पर करीब सेवेंटी परसेंट की तेज़ी देखने को मिली है जो कि पिछले छः सालों में सबसे ज़्यादा थी लास्ट हमने देखा था 2017 में इस तरह की तेज़ी आई थी जब इंडेक्स 110 परसेंट चला था तो शानदार रनअप यहाँ पर स्टॉक्स स्पेसिफिक एक्शन भी हमने यहाँ पर देखा अब इसके पीछे की वजह यह है कि दो तो बहुत अच्छा रहा इसमें हाउसिंग बिक्री ऊपरी स्तर पर रही है सात बड़े शहरों की बात करें तो जो बिक्री थी वहाँ पर इकतीस परसेंट की ग्रोथ दर्ज हुई सालाना आधार पर इन्वेंट्री में कमी आई पाँच परसेंट की बड़े शहरों में और 2024 भी काफ़ी अच्छे आ, रहने की बात की जा रही है उनका कहना है कि लग्जरी डिमांड जो पिछले साल भी थी इस साल भी वहाँ पर डिमांड स्ट्रांग रहेगी लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट की दो में ब्याज दरों में कटौती की भी बात की जा रही है वो भी होना शुरू होगी तो उससे भी डिमांड को एक सपोर्ट मिलेगा इसके अलावा दूसरी छमाही में फर्स्ट फर्स्ट हाफ़ एफ में भी बड़े कंपनियों के बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करने की भी बात की जा रही है तो ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस शो कर रहा है सेक्टर को लेकर और अगर अगर हम प्राइजिंग भी देखेंगे तो 2022 हज़ार बाईस के बनस्पत अगर 2030 का प्राइजिंग ट्रेंड देखें वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और आगे भी यहाँ पर बढ़त जारी रहेगी और प्राइजिंग बढ़ बढ़ने के बावजूद भी डिमांड पे कुछ असर नहीं पड़ रहा है ये काफ़ी अच्छी बात है और इस वजह से रियल रियल इस्टेट स्टॉक्स इस वक्त अच्छे दिखाई दे रहे हैं अगर रिटर्न देखें पिछले एक साल का तो मिड कैप हो चाहे स्मॉल कैप कंपनियाँ हो सभी में शानदार तेज़ी थी प्रेस्टीज इस्टेट्स एक चला पूर्वांकरा, शोभा डीएलएफ, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस सभी में 100 परसेंट से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली इनफैक्ट आज मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कि उनके टॉप पिक्स में शोभा का नाम था और वो आने वाले समय में 1100 के टारगेट 1400 के टारगेट देख रहे हैं कंपनी के लिए बैलेंस शीट की स्थिति काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है मजबूत पाइपलाइन से प्री सेल्स बुकिंग भी स्ट्रांग रहने की बातचीत की जा रही है तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में जो तेज़ी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है अभी भी तेजी जारी है रियल एस्टेट और इनफैक्ट मुंबई में तो 11 साल के रिकॉर्ड लेवल पर रजिस्ट्रेशन रही थी लगातार आप हर महीने इनकी सेल्स फिगर्स जो ये प्री सेल्स फिगर्स भी बताते हैं और जो रिकॉर्ड इनके रजिस्ट्रेशन देखने को मिलती है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इन्वेंट्री पूरी की तरह सोल्ड हो रही है रियल इस्टेट पैक में इस वक्त जितनी भी अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो इनफैक्ट लोअर लेवल्स पर है डिप्स पर है तो बड़ी तेजी रियल इस्टेट में है स्टॉक्स में मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद ऐसी तेजी है और रियल इस्टेट स्पेस हाइएस्ट गेनर ऑफ 2023 वाज रियल स्टेट ओनली 2024 की शुरुआत भी धमाकेदार रियल इस्टेट स्पेस से देखने को मिल रही है अब कौन से काउंटर को सस्टेन मूव्स मिल सकती हैं एक बार टिक -चेक ले लेते हैं इस पर अक्षय क्विकली आप बताएं वैसे तो ये सवाल फंडामेंटली uh, भी ऑफकोर्स पूछा नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अगर टेक्निकली अच्छा सपोर्ट जोन में दिख रहा हो जो अच्छे ट्रेंडिंग मोड में दिख रहा हो सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं बट फिर भी uh, आप कौन सी टॉप बेट बताएंगे अगर री uh, यहाँ से री एंटर करना हो किसी को तो रियालिटी yeah, सेक्टर में बहुत ही स्ट्रांग मूव हो चुका है तो नए कोई निवेशक है तो अभी ओवरहीटेड लेवल्स है तो मैं कहूंगा एक लेवल्स को थोड़ा शांत होना बहुत जरूरी है फिर भी अगर स्टॉक पिक करना है कि कौन से दिग्गज रहेंगे जो आगे जाके स्ट्रांग रिटर्न्स दे सकते हैं तो उनमें से नाम डीएलएफ का जरूर रहेगा डीएलएफ में जो है बहुत ही मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिला है पाँच पे और इसमें क्षमता है ऑल टाइम हाई ग्यारह तक जाने की तो अगर आप इन्वेस्टमेंट का नजरिया रखते हैं तो ग्यारह का टारगेट है अगर आप ट्रेडिंग या मीडियम टर्म का रखते हैं नजरिया तो थोड़ा डिप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ थर्टी ये डिप अगर कभी आपको आगे जाके मिल जाए तो आपको तभी एंटर करना है डीएलएफ में मैं आठ सौ तक टारगेट बना के चल रहा हूँ और दूसरा रहेगा ओबेरॉय रियलिटी जो एफ एनो स्पेस में भी है रियल स्टेट से बिलोंग करता है यहां भी अनस्टॉपेबल मूव है और मेरे हिसाब से सोलह सो तक टारगेट मुझे इसमें एक महीने के अंदर बनते हुए दिख रहे तो ओबेरॉय रियलिटी और डीएलएफ ये मेरे दो टॉप बेट्स रैंक

क्या कोई बाउंस बैक या पुल बैक का भी अटेम्प्ट कर सकता है कोई आईटी काउंटर जहां पर आपकी नजर हुआ देते हो यस uh, yes, बिल्कुल uh, देखिए मुझे लगता है कि माइंट्री एक अच्छे सपोर्ट पे अभी ट्रेड uh, कर रहा है तो वहां पे एक अच्छा बाउंस बैक ट्रेड हो सकता है माइंट्री uh, को बाय कर सकते हैं थ्री फोर थ्री थ्री में और इसमें स्टॉप लॉस बन के आ रहा है थ्री और टारगेट रहेगा इसमें थ्री एंड आई थिंक इंफोसिस भी एक अभी अच्छे सपोर्ट पे है तो वहां पे भी एक तेजी का ट्रेड बनता है इसे बाय कर सकते हैं 1511 में स्टॉप लॉस रहेगा इधर uh, 1480 का और टारगेट इसमें बन के आ रहा है 1540 से लेके 1580 तो आईटी में एक अच्छा रिबाउंड ट्रेड किया जा सकता है आदित्य आप जरा माइंडस्ट्री के लेवल्स आपके क्या हैं जरा रिपीट कर पाएंगे एक बार आ, बिल्कुल देखिए माइंट्री को बाय कर सकते हैं थ्री फोर थ्री थ्री में स्टॉप लॉस रहेगा इसमें थ्री थ्री एट जीरो का और टारगेट बन के आ रहा है थ्री फोर नाइन जीरो से लेके थ्री ले अक्षय एल टी आई माइंट्री का भाव फिलहाल है पांच हजार आठ सौ चौसठ का आदित्यस यस फाइव सिक्स फोर आई थिंक वो सॉफ्टवेयर में पुराना प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहा था तो उस हिसाब से वो एरर है तो आई थिंक इंफोसिस के साथ ही जाना चाहिए जो अभी सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है तो दैट लुक्स पुलिश है एलटीएम एंट्री छोड़ दीजिए कुछ प्राइस की प्रॉब्लम थी सॉफ्टवेयर में आप इंफोसिस को लेकर जो राय दी है उसके साथ जाने में ठीक रहेगा ये अक्षय राय आपके लिए आदित्य की तरफ से देखिए ना ऑटो इंसिल स्पेस में हमने बहुत आ, अच्छा एक्शन देखा है और कुछ स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहे हैं उसमें से एक शेयर है जय भारत मारुति का रत्नेश जी जय भारत मारुति जरा इसके चार्ट चेक कीजिए ये रफ्तार कब तक बनी रहेगी सर हालांकि शेयर को देखें तो ये भी बावन हफ्ते के ऊपरी स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहा है लेकिन अगर हम सेक्टर की बाकी कंपनियों से अगर हम तुलना करेंगे तो ये उतना नहीं चला है क्या इसमें आपको लगता है कि स्ट्रक्चर अब पॉजिटिव हो गया है और जिस तेजी की शुरुआत हुई है जून तो महीने से दी थी जो चली थी जुलाई दो हजार तेईस में इसमें करेक्शन देखने को मिला था हमको जो कि दिसंबर तक चला था अब ये अपने कीवरेज सपोर्ट से चला पेलिंग वेज का पैटर्न का ब्रेकआउट बनते हुए नजर आ रहा है ये जो वापिस से नहीं ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है जो एक सौ सैतीस रूपये के ऊपर ब्रेकआउट बनेगा जो इसको तेजी को लेके जाएगा फिर इसके बाद में ये ऑल टाइम हाई अपने 150 से रुपए तक के लेवल को टच करेगा तो मेरे जो नई तेजी बनना है एक सौ बीस रूपए का ठीक है एक सौ सैंतीस के ऊपर जाए तो ट्रेड करना है ये शर्तें लागू हैं इस ट्रेड पर जय भारत मारुति पर एक सौ साठ रुपए के लक्ष्य फिर बनेंगे आपके लिए और आपको जो स्टॉपलॉस लगाना है यहां से आ, यहां से अगर देखेंगे तो बारह रुपए नीचे का एक सौ बीस रुपए के आसपास का स्टॉपलॉस लगा के आपको चलना है जय भारत मारुति में कुछ और शेयरों पर चर्चा जरूर करेंगे लेकिन ऑप्शन में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं ये जान लेते हैं और जोड़ते हैं अपने साथ ऑप्शन के चैंपियन को और ऑप्शन का हिट चैंपियन ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के लिए स्वागत है बाई देना चाहूंगा इंडिया सीमेंट में वीकली चार्ट पे देखें तो इन साइड बार थी एकदम कॉन्ट्रेक्टेड था वीकली डेली चार्ट एक कप्ड पैटर्न की ब्रेकआउट है तो मैं एट द मनी कॉल बाई दूंगा दो का पंद्रह रुपए पचास पैसे पे बाइंग रहेगी ग्यारह रुपए पचास पैसे का स्टॉप लॉस बनेगा और बाईस रुपए पचास पैसे का इसमें टारगेट आएगा ग्यारह छुपये की रिस्क रहेगी और बीस हजार तीन सौ रुपए का प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा बढ़िया है इंडिया सीमेंट्स आज बहुत अच्छा मोमेंटम है पांच परसेंट ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है कैश में लेकिन आपको दो वाली कॉल खरीदनी है एट द मनी साढ़े पंद्रह रुपये के आसपास का उसका भाव चल रहा है और लक्ष्य इसके लिए बनेगा सात रुपये ऊपर साढ़े बाईस रुपये का और स्टॉप लॉस चार रुपये नीचे साढ़े ग्यारह रुपए का अधिकतम मुनाफा बीस हज़ार तीन सौ रुपये और अधिकतम नुकसान जो है उसका आधा करीब करीब ग्यारह हज़ार छः सौ रुपये के आसपास का बहुत शुक्रिया अंशुल ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे लेकिन ब्रेक से पहले आप स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर ये देख लीजिए कि एफनो में दस में से नौ ट्रेडर्स को नुकसान होता है और जो औसत नुकसान होता है वह है पचास हजार और और आपके लिए बहुत अहम स्वदेश सभी भारतवासियों को बढ़ते भारत के साथ आगे बढ़ने में मदद कर रहा है और इसके लिए हमने सुंदर म्यूचुअल फंड के साथ निवेश डे लॉन्च किया है यह मुहिम देश के सभी लोगों को अनुशासित तरीके से लगातार अपने पर्सनल फाइनेंस पोर्टफोलियो को बनाने में मदद करेगी इटिनो स्वदेश और सुंदरम म्यूचुअल फंड के साथ जुड़िए और सीखिए कि कैसे म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करके अपने वित्तीय भविष्य को मजबूत किया जा सकता है हर महीने की पांच तारीख को इटिनो स्वदेश जरूर देखिए निवेश दे के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है तो एक बार वो स्पेसेस जो थोड़े से वीक दिख रहे थे आईटी में आप देखें तो वहां पर फॉल रुका है मेटल्स क्योंकि थोड़े से डॉलर इंडेक्स की फिर से इंचिंग बैक की वजह से आपको मेटल पर कल दबाव दिख रहा था लेकिन क्या है रिबाउंड की तैयारी में है आदित्य आप कई बार मेटल uh, काउंटर्स को ट्रैक भी करते हैं इस वक्त स्टील काउंटर्स क्योंकि थोड़ा सा स्प्लिट व्यू देखना पड़ेगा आप मेटल्स में भी एल्यूमिनियम जिंक इनको अलग देखना पड़ेगा जिंक कॉपर इनको अलग देखना पड़ेगा स्टील काउंटर्स क्या एक रीबाउंड की तैयारी कर रहे हैं आ, बिल्कुल प्रियंका जी मुझे ऐसा लगता है कि आपने जैसे बोला बाइफर्केशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनली एल्यूमिनियम प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं लास्ट एक महीने में एंड आई थिंक वो तेजी बरकरार रहेगी और आगे जाके भी एक्सपेक्टेड ये है एज पर दैटर्न की फाइव परसेंट प्राइसेस इन हो सकते हैं एल्यूमिनियम में तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी नेशनल एल्युमिनियम बनता है तो उसके चार्ट भी यहाँ पे काफी पॉजिटिव बन रहे हैं अगर आप डेटा देखें तो इतना बुरा नहीं है तो नेशनल एल्यूमिनियम का सपोर्ट बन के करीब करीब वन ट्वेंटी सेवन से लेके वन ट्वेंटी टू तो इस रेंज में स्टॉक को एक अच्छा एक्यूमुलेट किया जा सकता है और वापस एक रिबाउंड रैली इसमें कंटिन्यू हो सकती है और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा ये स्टॉक मैंने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है तो आप एक बार रीअसेस करके इसको देखें बेट एल्यूमिनियम काउंटर्स पर है पर uh, सवाल यहाँ स्टील काउंटर्स का भी है ठीक है आपने सेल को भी स्टार्टिंग में डिस्कस किया एक व्यू और ले लेते हैं क्या मेटल्स आपको भी लगता है इंच बैक वापस कर जाएंगे uh, अक्षय uh, जी बिल्कुल मेटल्स uh, काफी दिसंबर मंथ में लाइमलाइट में रहे हैं और जनवरी में भी मोमेंटम रहेगा पर जिस तरह का मोमेंटम आपने दिसंबर में देखा वो तरह का मोमेंटम शायद आपको ना मिले तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा मेटल क्षेत्र में तो जहां पे अगर यहाँ देखा जाए तो टाटा स्टील थोड़े रेजिस्टेंस पे है तो उसे मैं टेक्निकली अवॉइड करूंगा हिंद कॉपर और नेशनल एल्यूमिनियम यहाँ पे मोमेंटम है तो मोमेंटम अगर आपको चेज करना है तो मेटल काउंटर में और थोड़ा सा मोमेंटम बाकी है पर अगर ए सेक्टर आपको होल्ड करना है पूरे महीने के लिए तो थोड़ा मेरा वहां पर कंफर्ट नहीं है

सत्रह का है दो सौ आठ रुपये एक ब्रेकआउट दिया इसने काफी लंबे कंसोलिडेशन का एक लंबा ब्रेकआउट दिया इसने जब कोई भी स्टॉक जब तो आ, भी इतना बड़ा ब्रेकआउट देता है डेली मंथली चार्ट तो काफी बड़ी इसमें तेजी हमको तो आगे के लिए आ, बनती हुई दिखाई देती है रहती। अभी एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो ब्रिदर हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे भी इक्वेंट कर सकते हैं तो थोड़ा मिनट करना है तो फिर अगर हमको एक सौ नब्बे रुपए के आसपास मिलेगा तो वहां पर हम मिनट और कर लेंगे स्टॉप लॉस लगाएंगे वहाँ पे एक सौ पिछहत्तर रुपए का थोड़ा सा मैं होल्डिंग के हिसाब से राय दे रहा हूँ यहाँ पे तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको आने वाले दिनों में हम ढाई रुपए तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे ठीक है इंजीनियर्स इंडिया में ढाई सौ के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं ऐसा कन्विशन है रत्नेश जी का लेकिन एक और शेयर पर उनका कन्विशन था जिसको लेकर ख़बर भी आ गई है ख़बर नीचे फ्लैश हो रही है जी एयरपोर्ट्स को लेकर और ख़बर यह है कि करीब करीब पॉइंट फोर परसेंट हिस्सेदारी के कई सौदे हुए हैं ब्लॉक डील्स लगी हैं और उस ब्लॉक डील्स में करीब करीब दो करोड़ शेयरों के सौदे हुए हैं चौरासी रुपये साठ पैसे के भाव पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है साढ़े तीन परसेंट ऑलरेडी ये ऊपर है और इसको लेकर रतनीश जी ने आपको ट्रेड के सुझाव दिए थे तो जी हमारे रिपोर्ट को लेकर ये अपडेट भी है और ट्रेड भी आपके पास है ट्रेड पहले था अपडेट ये बाद में आए तो आप इस पर नज़र जरूर रखिएगा यहाँ से इस टीम थोड़ी सी और बढ़ सकती है आ, लेकिन आ, कुछ और शेयरों पर रत्नीश जी आपसे जरा एक व्यू चाहेंगे हम देख रहे हैं कि बी, -बी में आज अच्छी तेजी है और वैसे भी शेयर ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है पिछला साल भी हमने देखा था कि प्रदर्शन ठीक ठाक रहा था बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का पूरा ग्रुप ही फोकस में था कुछ अच्छी खबरें भी थी कुछ बुरी खबरें भी थी लेकिन बीबीटीसी को आप किस तरह से देख रहे हैं अब ये पंद्रह सो छिया रुपए पर फिलहाल आपको ये शेयर कैसा लग रहा है और इसका ट्रेंड आपको किस तरह का समझ में आ रहा है बीबीटीसी ने आज एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया हालांकि थोड़ा सा वीक्स छोड़ दिया है मुझे ऐसा लगता है कि इसने फ्लैग पैटर्न लगभग बना लिया है तो इसमें मुझे ऐसा लगता है ट्रेड पॉजिटिव रहना चाहिए ऊपर में जो टारगेट बनेगी सत्रह सौ रुपए तक के बनेंगे और नीचे अगर किसी को स्टॉप लॉस रखना है पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से तो पे थोड़ा सा है थोड़ा सा सा है डीप स्टॉप लॉस पड़ेगा का इसमें है कि आज ही हमने हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड भी करा है और इसमें पोजिशन मेरी भी हो सकती है हमारे कंपनी के पो, पोर्टफोलियो में भी हो सकती है ठीक है बीबीटीसी यहाँ से मूव थोड़े से और बढ़ सकते हैं अक्षय जी आप जरा ना ब्रिटानिया को चेंज चेक कीजिए बीबीटीसी के बाद क्योंकि अभी ये दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है और हाल फिलहाल हमने ब्रिटानिया के शेयर को चलते हुए देखा है क्या गुड डेज यहां से और जारी रहेंगे ब्रिटानियाज के क्योंकि सवा दो परसेंट मजबूत है ये बड़े साइज का शेयर है क्या इसको बीटीएसटी करके भी जा सकते हैं क्या आज जारी रहेंगे स्टॉक ने स्ट्रांग ब्रेकआउट करा था 5200 पे और आज वापस मोमेंटम रिगेन करा है आप जनवरी सीरीज के बिगनिंग में देखे एफ के काउंटर में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ा है यहाँ पे लॉन्ग एडिशन भी देखने को मिले हैं तो ब्रिटानिया आप बीटीएसटी कैंडिडेट आप अगर देखना चाहते हैं तो जरूर बीटीएसटी कीजिए पर मेरा मानना है इसमें अपसाइड पोटेंशियल अभी भी काफी स्ट्रांग है आपको ऊपर में फिफ्टी तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं सपोर्ट फिफ्टी टू फिफ्टी का है सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस बनेगा और फिफ्टी तक टारगेट बना के चले ब्रिटानिया में राइट right, uh, कुछ नए काउंटर्स जो हाल ही मिल हुए हैं, उनमें क्या मूव uh, है इनफैक्ट स्मॉल कैप के कई काउंटर्स हैं जो जिसमें अच्छी मूव है आज बाज़ार में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है और इनफैक्ट uh, uh, इस वक्त uh, इंडेक्स के लिहाज से भी एक ट्रेड समझ लेते हैं uh, uh, अक्षय अगर आपको एक इंडेक्स पे ट्रेड देना हो तो निफ्टी uh, पर आप uh, क्या लेवल्स देख रहे हैं uh. वैसे तो व्यू पॉजिटिव है पर यहाँ कोई बड़ी तेजी के संकेत नहीं है आपको बीटीएसटी करना हो या एक हाथ दिन की कैरी फॉरवर्ड ट्रेड के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो आप बाय करके चले वैसे ट्वेंटी वन सेवन हंड्रेड ये बहुत ही एक अहम सपोर्ट मान के चल रहा हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से ऊपर के ऊपर अगर निफ्टी यहाँ से जो करेंट मोमेंटम आज पिकअप करा है निफ्टी ने चार दिन के बाद ट्वेंटी वन नाइन हंड्रेड तक जा सकती है तो ट्वेंटी वन नाइन हंड्रेड की मैं फ्यूचर्स में रेजिस्टेंस मान के चल रहा हूँ और ट्वेंटी वन सेवन हंड्रेड ये आपका सपोर्ट रहेगा तो बाय करने की रणनीति है पर ये एक शॉर्ट टर्म व्यू है आपको थोड़ा सा जो आज मोमेंटम पिकअप करे उसे चेज करना है बड़ी तेजी शायद 22000 प्लस के जो है शायद ये एक्सपायरी में ना दिखे तो मोमेंटम चेज कीजिए और 100 150 पॉइंट के ऊपर में गुंजाइश है तो बाय करके चले इन निफ्टी ये मेरी व्यू रहेगी

एंड लास्ट के जो दो क्वार्टर्स के रिजल्ट्स हैं या फिर लास्ट के तीन महीने के हम ऑटो नंबर्स भी देख रहे हैं तो 22 परसेंट ऑफ ग्रोथ ऑन मंथ बेसिस बढ़ रही है एंड अगला जो तीन महीना है वो भी काफी फोकसेबल है तो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में ऑटो एंसर लगी ये दो सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पे कहीं पे भी हम लोग बहुत स्ट्रांगली फोकस कर सकते हैं द अर्निंग इसके अलावा जो रियल इस्टेट पे तो हमने ऑलरेडी बात करी थी कि रियल स्टेट सेक्टर्स में जिस तरीके की ग्रोथ है बिकॉज टायर टू सिर्फ टायर वन सिटीज के ऊपर हम बात नहीं करते हैं टायर टू एंड टायर थ्री सिटीज में भी जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं जो हाई एंडेड प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं उनमें बाईस से चौबीस परसेंट की ग्रोथ है मंथ ऑन बेसिस पे भी जैसे कि हम अगर बात करते हैं पार्शन डेवलपर्स या फिर ओवर रियालिटी इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में कंबाइनेशन के अंदर भी टायर टू सिटीज में काफी ये लोग काम कर रहे हैं तो ओवरऑल ये दो सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हम अर्निंग प्रोजेक्ट पर डेफिनेटली ग्रोथ Projects कर सकते हैं हाँ ये जरूर है कि स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा क्योंकि आप पूरे सेक्टर्स को नहीं देख सकते हो बट स्टॉक स्पेसिफिक में भी जाकर स्टॉक्स अच्छे रहेंगे स्मॉल कैप एंड मिड कैप दोनों स्टॉक्स को भी कैटर करना चाहिए इसमें इन थोड़ी बेट्स भी बताया आपने ऑटो और ऑटो की बात की प्लीज रिफ्लेक्ट करें आप कौन से प्रिफर्ड बेट्स की भी बात कर रहे हैं ताकि हमारे व्यूअर्स उसका फायदा भी उठा पाए देखिए ऑटो एनसेलरीज में मुझे मदरसन एंड सुमी काफी अट्रैक्टिव लगता है इस लेवल पे भी एक सौ रुपए का एक रेंज है अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्जिन साइड्स पे भी बाईस परसेंट की ग्रोथ प्रोजेक्शन uh, है मैनेजमेंट कॉमेंट्री में भी एक्सपेक्टेशन रखी है कि जो इनके नए

साठ सत्तर रुपए के रेंज में भी शेयर था तो वहाँ से तो रफ्तार दिख गई लेकिन सौ रुपए के आसपास आके थोड़ा सा समय ज़रूर बिता रहा है समर्थन मदरसन का शेयर लेकिन बढ़िया स्तर पर अभी भी आपके लिए मौके बनेंगे एक सौ के लक्ष्य के लिए बाज़ार में तेजी बरकरार है गेंस को टिका के रखने में कामयाब रहा है निफ्टी एक अंक ऊपर है निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर थोड़े से ज़्यादा मतलब निफ्टी के मुकाबले अगर आप प्रतिशत की बात करें तो डेढ़ गुने की तेज़ी निफ्टी बैंक में है चार सौ साठ अंकों ऊपर है और आज हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेज़ी है मतलब दिग्गजों में भी तेज़ी हो रही है और मिड कैप वाले जो बैंक हैं मसलन डी सी बी बैंक को आप देखेंगे जम्मू कश्मीर बैंक को देखेंगे तो वहाँ पर भी तेज़ी हो रही है बैंकिंग स्टॉक्स में लेकिन एक बार डेली के ने का माहौल चेक कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या मूड है कौन से शेयर को लेकर चर्चा हो रही है और हमारे सहयोगी शरद दुबे रोज की तरह जुड़ गए हैं खास सेगमेंट लेकर जिसका नाम है खबर गर्भ है जी बिल्कुल रोजारी बायोटेक जो है फोकस में रहने वाला और हमारी जो बातचीत हो रही है डीलर से तो वहां से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी बाइंग जो है आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के काउंटर में देखने मिल रही है अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो ऑलमोस्ट फोर टाइम्स ट्वेंटी डे एवरेज का जो है वॉल्यूम्स देखने मिल रहा है और इम्पॉर्टेंटली जो डी आईज ऑलरेडी इन्वेस्टेड है आपके इस कंपनी में जो सितंबर शेयर होल्डिंग पैटर्न में था वहाँ पे दिखता है कि एस बी आई म्यूचुअल फ़ंड और यू टी आई म्यूचुअल फ़ंड जैसे जो दिग्गज फंड हाउसेज़ हैं उन्होंने यहाँ पे अपनी स्टेक रखी है अगर बात करें टेक्निकल इंडिकेटर्स की तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर जो हंड्रेड डी का है उसको क्रॉस किया गया है और टेक्निकली देखा जाए तो फिफ्टी हंड्रेड टू तीनों इंपॉर्टेंट लेवल्स पर जो है स्टॉक उसके ऊपर अब ट्रेड कर रही है हमने थोड़े से चैनल चेक्स भी किए और यहाँ से पता चला जो तीसरे तिमाही के जो नतीजे आएंगे वहाँ पे उनकी एक सेगमेंट है एच पी सेगमेंट वो एक अच्छी परफॉर्मेंस देगी अगर इस सेगमेंट के बारे में बात करें एच पी तो ये सेगमेंट बेसिकली आपका होम पर्सनल केयर और परफॉर्मेंस केमिकल सेगमेंट का है तो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है जहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की इंटरेस्ट देखने मिल रही है रोजारी बायोटेक में जी शुक्रिया शरद रोजारी बायोटेक हालांकि शेयर आज गर्म जरूर है पौने चार परसेंट के आसपास की तेज़ी है हालांकि बहुत अच्छे से परफॉर्म करके दिया नहीं है रोज़ारी बायोटेक ने एक आ, कहीं ना कहीं रेंज में ही ये शेयर रहा है स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनी है बाकी कुछ शेयर में बहुत अच्छी गर्मी हमने देखी है क्या रोज़ारी बायोटेक के दिन यहाँ से अब आ, पलटने वाले हैं और आगे की राह अच्छी है एक बार इस पर ज़रा टेक्निकल चेक भी ले, ले लेते हैं आदित्य आपका व्यू क्या है रोजारी बायोटेक को लेकर चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं इसके शेयर चलेगा भी और बिल्कुल इसके अच्छे दिन आगे दिख रहे हैं और स्टॉक गर्म भी हो सकता है क्योंकि जिस हिसाब से वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आपको दिख रहा है जो कुछ हफ्तों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है कुछ दिनों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है तो दिख रहा है कि बायर्स का एग्रेशन इधर बना हुआ है और एक कंसोलिडेशन में जैसे ही ये रेंज ब्रेक होती है जो ऊपर की साइड एट फोर्टी है तो स्टॉक एक लंबी दौड़ लगा सकता है

एक छोटा सा ब्रेक लेंगे क्लोजिंग कॉल में और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमने एक्सपर्ट्स ये समझेंगे कि आपको बीटीएसटी या फिर एस क्या करना है और अब आगे कौन सी इवेंट्स फोकस में रहेंगे तौर से अगर हम कल की बात करें तो उस पर भी नजर डालेंगे आपके जाएगा नहीं। बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कुछ और सेक्टर्स को भी देखता है फोर्जिंग काउंटर्स भी आज काफी मोमेंटम में चाहे आर के फोर्जिंग हो इन फोर्जिंग हो मेटल्स फोर्जिंग हो कुछ स्मॉल कैप कंपनीज भी है जिनमें दस परसेंट तक की मूव देखने को मिल रही है फोर्जिंग काउंटर्स की मूव सस्टेनेबल है क्या ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है क्या अक्षय जी फोर्जिंग काउंटर्स में थोड़ा मोमेंटम तो जरूर है यहाँ पे आप जो प्लेट दिख रहा है रामकृष्णा फोर्जिंग्स ये स्टॉक एक बेसिंग फॉर्मेशन पे है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से 700 का बेस बनाने के बाद आज काफी उछाल देखने को मिल रहा है तो एक पॉजिटिव शॉर्ट टर्म आउटलुक बन रहा है तो बी कैंडिडेट जरूर बन सकता है सेवन टू सेवन सेवेंटी ये टारगेट एरिया बनेंगे तो बाय करके चले सेवन हंड्रेड के नीचे आप स्टॉप लॉस बनाइए और सेवन सेवनटी तक टारगेट बना के चले ये बी टी एस सी ट्रेड्स भी हैं यानी यहाँ से भी आप ले सकते हैं बैंक्स में कई सारे बैंक्स हैं जिनमें अच्छी मूव है डी सी भी दो दिन से हमें आ, संजीव वसीम भी बता रहे हैं और आज आपने उसमें देखना चार साढ़े चार परसेंट की मूव है दस परसेंट ये पहले चल चुका है यानी पंद्रह परसेंट पिछले तीन दिन में ही चल चुका है लेकिन क्या ये मूव सस्टेनेबल है अगर ऐड करना है तो क्या डिप्स का इंतजार करें यहाँ से रत्नीश डीसी बैंक में रिसेंटली में बॉटम का फॉर्मेशन ब्रेकआउट दिया है इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि जा अगर ये को मुझे अड़तालीस रूपये काफी अच्छा सपोर्ट है ऊपर में टारगेट अभी सत्तर रुपए तक का इंटेक्ट है तो वहां तक के लिए जाने के लिए तैयार है तो यहाँ पे भी डीप में यहाँ पे भी एड कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा लेना वन फोर्टी ठीक है ये बात तो डी डीसीबी बैंक की लेकिन कुछ केमिकल नेम्स में अनएक्सेप्शनल तेजी है हिमाद्री स्पेशलिटी हिमाद्री केमिकल इंडस्ट्रीज को देखिए वो दस परसेंट की मूव पे है इंडिया ग्लाइकॉल में पाँच साढ़े पाँच परसेंट बालाजिया माइन्स तो केमिकल स्पेस और स्पेशली जो कैश सेगमेंट के स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी मूव दिखाई दे रही है कोई काउंटर आपके रेडारे आ रहा है आदित्य देखिए मुझे बालाजी अमाइन का पैटर्न अच्छा लग रहा है आई थिंक स्टॉक ने काफी टाइम लिया डाइजेस्ट किया एक डाउनवर्ड मूव को रिवर्सल दिया कंसोलिडेशन के बाद एक अप ट्रेंड की शुरुआत दिख रही है इधर तो इसको पर्टिकुलरली बाय कर सकते हैं टू सिक्स सेवन मन में और स्टॉप लॉस रहेगा इसमें टू फोर नाइन जीरो का और इसमें टारगेट बन के आ रहे हैं टू से लेके थ्री ठीक है उनतीस और इकतीस बालाजी माइंस के लिए ये लक्ष्य आज हम देख रहे हैं कि माइंस वाली कंपनीज में आज भी तेज़ी हो और पिछले दिनों भी इसमें तेज़ी बनी है लेकिन एक शेयर है जिस पर गिरीश जी आपसे मैं व्यू चाहूँगा उसका नाम है बी टू रिटेल का बहुत ही शानदार तेज़ी रिटेल वाली कंपनी है ये और छोटे छोटे शेयरों में अच्छे से एक्सपैंड भी कर रही है हालांकि ये सर्किट टू सर्किट चल रही है तो ऐसे कुछ खरीदने बेचने का फिलहाल मौका तो नहीं मिलेगा लेकिन आप से व्यू उस पर इसलिए चाहिए क्योंकि महीने भर में जो शेयर चला है साठ का पिछले साल गज़ब की रफ्तार रही बिज़नेस जो अपडेट्स आए हैं वो बहुत अच्छे है। आए हैं और मैनेजमेंट की कमेंट्री जो आई है वो कहीं ज़्यादा उत्साहजनक है कंपनी का ये कहना है कि जो सीएम स्टोर सेल्थ ग्रोथ है वो 40 परसेंट के आसपास के हैं कंपनी के तो निश्चित तौर पर ये कमाल का हम नंबर्स कहेंगे और हर साल आय 30 परसेंट बढ़ाने का लक्ष्य लेकर कंपनी चल रही है ग्राहकों की संख्या 40 परसेंट बढ़ी कीजिए वो कितना कंफर्टेबल है और वो वैल्यूशन अगर हमारी ग्रोथ को अगर मान भी लेंगे ग्रोथ ये लंबी चौड़ी होगी क्या जस्टिफाइड है वो देखिए वीटू रिटेल्स जैसे कि आप सही बोल रहे हैं इसकी मैनेजमेंट uh, कॉमेंट्री पे हमारा डिस्कशन हुआ भी था एक काफी टाइम पहले आई थिंक दो तीन क्वार्टर पहले मैंने आप ही के चैनल पे इस मैनेजमेंट कॉमेंट्री पे डिस्कशंस करी भी थे सो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग रहता है इन लोगों का रिटेल्स पॉपोजेशन क्योंकि हम अभी ये सब ग्रोथ इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि एक तीन महीने से छह महीने का एक फेस्टिवल सीजन कॉस हुआ ही है रिसेंटली तो उस वजह से भी रिटेल पॉपोजिशन पे काफी स्ट्रांगली फोकस रहा है एंड दूसरी बात यह है कि हाँ ऑब्वियसली इनके जो नेट मार्जिन है इसमें बाईस से तेईस परसेंट का ग्रोथ इन्होंने डेफिनेटली देखा भी है और हुआ भी है तो गॉर्स अगर मार्जिन की हम बात करें तो से 30% का ग्रॉस मार्जिन एस्टिमेटेड आ जाता है एंड ऑल स्ट्रक्चर इसलिए भी स्ट्रांग लिया जाता है क्योंकि इन्होंने अपने रिटेल प्रपोजिशंस में टायर टू एंड टायर 3 सिटीज दोनों सिटीज को फोकस करते हुए फंक्शनली 40 स्टोर्स हर साल खोलने का टारगेट रखा है एंड अगर हम अभी तक का जो प्रपोजिशन देखें दो क्वार्टर्स का भी तो उनमें ऑलमोस्ट 16 स्टोर्स के नए खुल चुके हैं जो ऑन प्रोसेस में आ चुके हैं ओवरऑल जहां पर भी ये रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काफी काम कर रही है क्योंकि जो मैनेजमेंट कॉमेंटी थी उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली इंटीमेट था कि रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर वो काफी काम करेंगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है रिटेल प्रपोजिशन पे क्योंकि अगले तीन महीने से छह महीने भी स्ट्रांगली ही मूव करेंगे बट अगर हम वेल्यूशन की बात करें तो वेल्यूशन थोड़े से महंगे हैं इस रेंज में मुझे डेफिनेटली नहीं लगता है कि किसी को भी एंट्री फेस लेना चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे भी ये अगर हमको रुपए के आसपास कहीं पे भी मिलती है तो डेफिनेटली डिप पे इसको ले एंड इसका जो है आपको एटलीस्ट साल से डेढ़ साल का टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा ये शॉर्ट टर्म्स के लिए नहीं रहेगा क्योंकि एक बहुत सस्टेनेबल स्टॉक रहता है अगर आप एक बार में स्लो मूविंग स्टॉक्स रहते हैं जब अगर चलते हैं तो बहुत तेजी से चलते हैं बट उसके बाद एक बहुत स्लो मूविंग फेज में ही एक रेंज बाउंड के अंदर चलते हैं स्टॉक्स तो अगर डिप ए डेफ एम मिलता है ये 325 330 के रेंज में तो लेके चले साढ़े चार सौ तक का एक रेंज लेना पड़ेगा आपको तो एक से डेढ़ साल के टाइम फ्रेम में ठीक है रिटेल को लेकर ये व्यू लेकिन डीसीएम श्रीराम को लेकर खबर आ रही है और खबर के साथ ही शेयर में बड़ी उछाल ग्यारह परसेंट के आसपास की है खबर यह है कि गुजरात सरकार के साथ एमओयू किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक करार किया है निवेश का और करीब करीब दस हज़ार करोड़ रुपए के निवेश की खबर आ रही है डीसीएम सी एम को लेकर कॉन्ग्लोमरेट है एग्री बिजनेस में है सीड के बिज़नेस में है यूरिया शुगर वाला भी कारोबार है तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड कारोबार है तो अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग, करा अलग करार किए होंगे और टोटल जो साइज़ है वो दस करोड़ रुपये से ज़्यादा की है और दो तक बारह हज़ार करोड़ रुपये के निवेश के लिए एमओयू किया है डीसीएम सी एम ने बड़ी तेजी निश्चित तौर पर दरअसल वाइब्रेंट गुजरात समिट होने वाला है गुजरात सरकार का बड़ा ही की इवेंट होता है उसके पहले तमाम कंपनीज़ के साथ तमाम कॉरपोरेट्स के साथ उनके टाइप्स हो रहे हैं एम की खबरें आ रही हैं डी शाम श्रीआम इस पर आप गिरीश जी आप ही व्यू दीजिए ग्यारह खबर जो आई त्यों शेयर ये टंग गया दस परसेंट ऊपर अब ये ट्रेड कर रहा है कंपनी कितनी मजबूत है और आ, किस तरह के बेनिफिट्स आप देख रहे हैं इसके लिए देखिए रिजल्ट ओरिएंटेशन में देखा जाए तो काफी न्यूटेड रिजल्ट्स आए हैं इनके अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो ओवरऑल सिर्फ 22 से 23 परसेंट की ग्रोथ ही रही है जबकि ये काफी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन है शुगर्स के अंदर बात करें हम केमिकल सेगमेंट्स में बात करें तो डीसीएम शेयराम्स का डेफिनेटली बहुत अच्छा नाम हो जाता है बट अब कंपनी अपने काफी रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर भी फोकस कर रही है जैसे कि अक्टूबर के मैनेजमेंट पे भी मैनेजमेंट से बात हुई थी हमारी कि डीसीएम में रीस्ट्रक्चरिंग का फोकस काफी रहेगा अपने नए फर्दर प्लांट्स के लिए वो पहले पूरा कंपनी को रीस्ट्रक्चर करेंगे उसके बाद ही नए प्लांस को अनाउंस करेंगे एंड जिस तरीके का एमओयू है एमओयू काफी स्ट्रांगली मूव करता है इन्होंने रिसेंटली जो शुगर प्लांट एक्सपांड करा है अपना उत्तर प्रदेश के अंदर उसकी जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो नेक्स्ट क्वार्टर्स के बाद हमको दिखने लग जाएगी क्योंकि तो ये फुल स्विंग प्लांट्स हैं तो ऑब्वियसली इसका जो ग्रोथ रहता है वो हमको नेक्स्ट अगले दो क्वार्टर्स में दिखने लग जाता है तो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांगली रहेगा बट डेफिनेटली एंट्री पॉइंट तो अभी नहीं सजेस्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आज ये दस परसेंट ग्यारह परसेंट की रेंज ऑलरेडी चला चुका है तो फ्रेश एंट्री तो नहीं है बट हाँ अगर किसी के पास होल्ड है तो अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करें एंड उसके बाद इसको होल्ड करने तेरह सौ तक का लक्ष्य यहाँ से दिखाई देता है अगले एक से साल मतलब छह महीने से लेकर एक साल के टाइम फ्रेम के लिए बीटीएससी ट्रेड जो ऐड करना चाहेंगे अक्षय आप जी बीटीएसटी ट्रेड में मेरा आज रिकमेंडेशन फेडरल बैंक में था तो इसे ही मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं। बैंकिंग ही लाइमलाइट में है और बैंकिंग में ही का अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है प्राइजेस में और ओवरऑल जो कमेंट्री भी था आज तो इसके चलते फेडरल बैंक में कंटिन्यू करूंगा यही बीटीएसटी अब करके चले टारगेट बनाइए वन फिफ्टी में और स्टॉप लॉस वन के नीचे

के बीटीएसटी ट्रेड्स प्रतेश आप कुछ शेयर करना चाहेंगे बीटीएसटी आइडियाज जी बिल्कुल अह ब्रेन का एक आइडिया है मेरे पास में सबसे पहले तो uh, ब्रेन निफ्टी फ्यूचर है करना चाहे उसमें एक बीटीएसटी करी जा सकती है मेरे लिया से अह uh, यहां पे एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए uh, ब्रेन निफ्टी फ्यूचर का स्टॉप लॉस बता रहा हूं मैं आपको 48400 uh, का या फिर अड़तालीस हजार तीन सौ कॉल लेके भी बीटीएसटी करना चाहे तो वो करा जा सकता है उसके अलावा एक डीसीबी बैंक में मुझे ऐसा लगता है कि वो बीटीएसटी का कैंडिडेट जो हमने भी डिस्कस करा था उसमें एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए एक सौ पचास रुपए का जो टारगेट बन गया वो एक सौ पैसठ रुपए डीसीबी बैंक फेडरल बैंक तो बीटीएससी ट्रेड्स में आपको कहीं ना कहीं बैंक्स भी दिख रहे हैं और डीसीबी श्रीराम जिसको एक नया ऑर्डर मिला उसकी बात हो रही है क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात 10 से 12 जनवरी को होना है उससे पहले आप आज टॉरेंट पावर को भी देखें तो वहाँ पर भी उन्हें क्लीन एनर्जी के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में जिन कंपनियों ने बिडिंग की थी उसमें टॉरेंट पावर भी था और उसको अवार्ड भी मिला कॉन्ट्रैक्ट अवार्डेड विद अ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो तो सात परसेंट की तेजी एक बार टॉरेंट पावर को भी चेक करते हैं क्या ये भी एक कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है इनफैक्ट डिप्स कौन कहाँ पर किन लेवल्स पर री करने का मौका ढूंढने गया देते आप आई थिंक स्टॉक ने एक दमदार तेजी दिखाई बट ऊपर से इतनी सारी इतनी सारी सेलिंग एविडेंट थी कि uh, वो स्टॉक ऊपर टिक नहीं पाया तो मैं इसको अवॉइड करूंगा इस लेवल पे खरीदने के लिए आई थिंक गुड लेवल टू बाय दिस स्टॉक वुड बी नाइन फिफ्टी नाइन सिक्सटी जहाँ पे इसका एक अच्छा सपोर्ट uh, support बन के आ रहा है अभी इस लेवल पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूंगा मैं ठीक है टॉरेंट पावर को भी अवॉइड करना चाहेंगे एक शेयर पावर स्पेस ही uh... बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता है क्योंकि छोटी साइज़ का शेयर है रिलायंस पावर लेकिन आज बहुत तगड़े मूव्स हैं 18-19 परसेंट ऊपर आपको ये शेयर दिखेगा इसको ज़रा समझेंगे करना क्या है किसी को अगर देख के कोई मन में विचार आ रहा हो कुछ ख्याल उठ रहे हो उसका भी समाधान करेंगे लेकिन एक बड़ी खबर फिलहाल आपकी स्क्रीन पर है बी को लेकर रक्षा मंत्रालय ने करार किया है कंपनी के साथ और शेयर में हम तीन के आसपास की तेज़ी देख रहे हैं 802 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण सप्लाई करेगी कंपनी बी और यहाँ पर बढ़िया तेजी हम कह सकते हैं और पिछले छः महीने की बात करें तो ठीक ठाक रफ्तार से ये शेयर चला है डिफेंस से रिलेटेड जो भी कंपनीज रही हैं अब प्योर डिफेंस की हो उसमें अगर आप शिपिंग को भी शामिल कर लीजिए तो आपको चौतरफा तेज़ी देखने को मिली है अक्षय बी क्या इसमें मौके बन रहे हैं बिल्कुल अभिषेक जी मौके बन रहे हैं क्योंकि अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है और आज अगर आप देखें तो एक पांच छह दिन का जो एक रेंज में सीमित था स्टॉक वो रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है टू एट फाइव जीरो पे तो बिल्कुल मोमेंटम कैचअप करा है आपको मोमेंटम चेज करना है इसके टारगेट आपको 2950 से 2975 तक जल्दी दिख सकते हैं 2800 का सपोर्ट है तो जिसके नीचे आपका स्टॉप लॉस बी को लेकर ये व्यू लेकिन हम चर्चा कर रहे थे रिलायंस पावर की और रिलायंस पावर के साथ जो साथ जो छोटे साइज़ वाले ऐसे कई शेयर रहे हैं जहां पर हमने एक छोटी मोटी री रेटिंग तो ज़रूर देखी है भाव के लिहाज से ही सही अब कई शेयर डबल हुए हैं आप रिलायंस पावर को देख लीजिए आज तो एम में भी तेजी है हमने एच को सुजलॉन को ऐसे तमाम ऐसे शेयर जिनके भाव दस पंद्रह बीस रुपए थे उनको अपने भाव से डबल होते हुए देखा है गिरीश जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे अब देखिए एम टी एन एल का बिजनेस में क्या बचा है पता नहीं मुझे बहुत मैं फ्रेंकली बताऊं तो खास आइडिया नहीं है रिलायंस पावर को लेकर भी कमोबेश मेरे मन में स्थिति यही है कि इनके पास बिजनेस क्या है वैल्यू क्या है और आगे ग्रोथ के किस तरह के प्रॉस्पेक्ट्स हैं आप किस तरह से गाइड करना चाहेंगे आज की तेजी आप देखिए अब तो ऑलमोस्ट ये 20 परसेंट ऊपर शेयर कारोबार कर रहा है बत्तीस रुपये के आसपास का भाव हो गया इसका देखिए आप जो सोच रहे हैं वो बेसिकली सोच भी मेरी भी वही है कि आ, मुझे भी नहीं पता है कि उसको कैसे रूट करेंगे बस स्टॉक का नाम है स्टॉक में मोमेंटम है इसलिए स्टॉक चल रहा है बट ओवरऑल फंडामेंटल तौर तो पर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है स्टॉक के अंदर तो आ, डेफिनेटली मैं उस पर तो नहीं सजेस्ट करूंगा मेरे लिए तो सजेशन यही रहता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर कहीं पे भी इन्वेस्ट करे तो उसके फंडामेंटल्स ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि इस टाइप के बजाय में ना फंडामेंटल्स का ही एक बहुत बड़ा पैरामीटर्स होता है तो हम बहुत हाई पर हैं तो ओवरऑल ये स्टॉक के ऊपर मैं डेफिनेटली कमेंट नहीं कर के ऊपर तो ठीक है कई बार क्या होता है ना कि कमेंट इसलिए नहीं करते हैं कि कुछ रीजंस होते हैं कई बार कमेंट इसलिए नहीं कर पाते हैं कोई रीजंस होते ही नहीं है तो शायद उसी वाली कैटेगरी में फिलहाल ये शेयर दिख रहा है चलिए बाज़ार की अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे डेढ़ मिनट के आसपास का समय रह गया है लेकिन आज बढ़िया क्लोजिंग हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छी थकान बाज़ार में आया नहीं जैसे जैसे सत्र बीता है बाज़ार ने अपने गेंद्स को और कंसोलिडेट किया है और अब 150 अंक ऊपर निफ्टी आपको दिखेगा इक्कीस के आसपास के स्तर कल हमने इक्कीस पाँच के आसपास के स्तर देखे वहाँ पर एक शांत हमने देखी थी क्लोजिंग, लेकिन आज बढ़िया रिबाउंड डेढ़ सौ अंक ऊपर तो आज फाइनेंशियल स्टॉक्स में चूंकि अपडेट आए थे बजाज फाइनेंस के बढ़िया अपडेट लोन ग्रोथ को लेकर एसेट अंडर मैनेजमेंट को लेकर तीन लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा इन्होंने पार किया है उसने आज स्टॉक को जो शुरुआती रफ्तार दी फिर ये लीडर बन के बैठ गया नंबर वन की कुर्सी पर और अभी तक उस कुर्सी पर बना हुआ है साढ़े चार परसेंट के आसपास की तेजी है बाकी अगर हम बैंकिंग के कुछ शेयरों की बात करें जो कि आज स्टार साबित हुए हैं उसमें आप देखिए प्राइवेट बैंकिंग में इंडस इंड बैंक आपको देखिएगा ऊपर आपको एक्सिस बैंक में बहुत अच्छी आज क्लोजिंग होने जा रही है और मिड कैप साइज के जो बैंक हैं वहाँ पर भी हमारे एक्सपर्ट्स की नज़र भी थी आपको ट्रेड्स भी बताए गए और वहाँ पर हमने तेज़ी देखी भी है जे के बैंक हो गया डी हो गया ये तमाम बैंक अच्छा परफॉर्मेंस आज हमने वहां पर देखी है कुछ स्टॉक्स या फिर कुछ सेगमेंट्स जहां पर थोड़ी सी निराशा रही है उसमें आईटी वाला खेमा आज है आप देखिए एस सी एल टी एल टी आई में एंट्री यहाँ पर कमजोरी रही ऑटो में हम देखने की प्रॉफिट टेकिंग का जो सत्र है वो जारी है कल बजाज ऑटो में बायबैक वाली खबर के बाद मूव्स अच्छे आए थे आज थोड़ी सी थकान वहां पर भी हालांकि तेजी ज्यादा थी आज गिरावट वहां पर कम हुई है लेकिन आयशर शर एम एन एम बजाज ऑटो मारुति सुजुकी हीरो मोटो ये निफ्टी के सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिल रहे हैं लेकिन निश्चित तौर पर आज का स्टार परफॉर्मेंस आज हमने देखा आई टी शेयरों की तरफ से इंडेक्स में आग लगी साढ़े तीन चार परसेंट के आसपास की तेजी इंडेक्स में रही लेकिन डीएलएफ गोदरेज प्रॉपर्टीज मैक्रोटेक ये शेयर चले अगर हम छोटे शेयरों की बात करें थोड़े से अपेक्षाकृत तो उसमें शोभा में तेजी रही और इसके अलावा हम पूर्वांकरा के शेयर में भी हमने बड़ी तेजी देखी है तो एक बढ़िया सत्र ओवरऑल हम कहेंगे जहां पर आज स्टार साबित हुए हैं और रियल इस्टेट शेयर चलिए इसके साथ ही इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे सभी मेहमानों का हम शुक्रिया कहेंगे अक्षय जी रतेश जी आदित्य जी और गिरीश जी आपका बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और बाजार के साथ साथ तमाम स्टॉक्स पर अपना व्यू शेयर करने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपके लिए कल की तैयारी करवाएंगे और कल की तैयारी करवाने के लिए मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं रोज की तरह मनीष ओवर टू यू बताइए आज क्या खास होगा आज तो हमारे स्टार रहे रियल एस्टेट बुनियाद बहुत मजबूत दिखी आज तो बिल्कुल बुनियाद बहुत मजबूत दिखी और लग रहा है कि बाजार में वापस से अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी कल प्रियंका के साथ यही चर्चा हो रही थी जब हमने कहा था कि आ, आ, दो कदम पीछे आया है तो चार कदम आगे जाएगा वही लगता हुआ दिख रहा है और अच्छी बात यह है कि कल भी बहुत सारे दर्शकों ने सवाल भेजे यूट्यूब पे जाके देखिए करीब सौ करीब सत्तर बहत्तर दर्शकों ने सवाल भेजे हैं कि मेरे सवाल जरूर लीजिए शो में उनके सवाल लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद कल की तैयारी में बताने की कोशिश करेंगे कि अब उनको अपने शेड्यूल में क्या करना चाहिए